बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रेग्नेंट हो गई तो भी खट्टी चीजें मत खाना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या प्रेगनेंसी में खट्टी चीजें वाकई बहुत नुकसान करती हैं? ये हम समझेंगे टाइटन न्यूट्रिशन साइंस के तरीके से। हेलो एंड वेलकम अगेन, आई एम डाइटिशियन एंड टुडे आई शेयर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट सिट्रस फ्रूट्स, कि सिट्रस फ्रूट्स प्रेगनेंसी में खाने हैं या नहीं खाने हैं, और खाने हैं तो कितने खाने हैं, और मैं सारे रिसर्चेस आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। खट्टे फल यानी कि विटामिन सी, एक दिन में आपके एक फीमेल के बॉडी को 85 से 90 mg विटामिन सी चाहिए। अब दो तरीके के विटामिन होते हैं, हमने पढ़ा है कि फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल बॉडी में स्टोर कभी नहीं होते हैं, उसको आपको हर दिन अपनी डाइट में खाना होता है। फैट सोल्यूबल स्टोर रहता है हमारे बॉडी में, जहाँ जहाँ फैट होता है उसमें स्टोर रहता है वो, और बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग बॉडी उसको यूटिलाइज करती रहती है। तो अगर विटामिन सी की हम बात कर रहे हैं तो ये वाटर सोल्यूबल है, पानी में घुलने वाला विटामिन है, और इसे आपको रोज़ खाना है। एक नींबू अगर आप खाते हो एक दिन में तो उसमें हर दिन की ज़रूरत का हाफ अमाउंट विटामिन सी का आपको मिलता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन एक नींबू खाएं। हम बहुत सारे फूड खाते हैं सुबह से शाम तक, कई फूड में विटामिन सी होता है, फल में, सब्जियों में, कई चीज़ों में विटामिन सी होता है। तो अगर संतुलित आहार खाते हो तो विटामिन सी की नीड पूरी हो गया। विटामिन सी क्यों खाना है प्रेगनेंसी में, क्या ज़रूरत पड़ी विटामिन सी खाने की, वो जान लीजिए। आप अगर प्रेगनेंसी में विटामिन सी सही मात्रा में लेते हो तो सबसे पहले आपको बार बार जुकाम, बुखार, इन्फेक्शन नहीं होते, इम्यूनिटी बहुत मजबूत रहती है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी अच्छा रखता है, आपकी स्किन को अच्छा रखता है। प्रेगनेंसी में स्ट्रेचिंग होती है, स्किन को मजबूती चाहिए, कॉलेजन प्रोडक्शन चाहिए, तो ये कॉलेजन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, आपकी स्किन को मजबूत, अच्छा, ग्लोई, शाइनी बनाने में हेल्प करता है। बच्चे की स्किन और हेयर के लिए भी विटामिन सी बहुत अच्छा है। आपके शरीर में खून की कमी है, आयरन वाली चीज़ें खा तो रहे हो पर खून की तो कमी ही लगी हुई है। क्यों? क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड नहीं मिल रहा जो आयरन को मेटाबलाइज करने में हेल्प करता है, तो आपको विटामिन सी लेना होगा उसके लिए। लेकिन विटामिन सी किस खाने से लेना है हमको, कैसे कैसे खा सकते हो आप? विटामिन सी के लाभ तो बहुत ज़्यादा हैं, तो प्रेगनेंसी में इसको खाना है। और हाँ, सही तरीके से सही समय पर अगर आप इसे खाते हो तो इसके कोई नुकसान नहीं। स्टडीज ये भी कहती हैं कि विटामिन सी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और विटामिन सी की ज़्यादा जिन फीमेल्स ने मात्रा ली, सपोज 400 mg के लगभग विटामिन सी खा रही थी वो, चाहे टैबलेट से खा रही थी चाहे डाइट में ज़्यादा ले रही थी, तो उनके बच्चों को प्रेगनेंसी में तो कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन न्यूबॉर्न जो बेबी था उसके अंदर कुछ समस्याएं, उसकी इम्यूनिटी रिगार्डिंग या मेटाबॉलिज्म रिगार्डिंग इश्यूज़ देखे गए, तो बहुत ज़्यादा विटामिन सी नहीं खाना, या आपके बच्चे के लिए बाद में नुकसानदायी हो सकता है। अब विटामिन सी कैसे खाना है, विटामिन सी जल्दी ख़राब भी होता है तो उसको कैसे खाना है? तो विटामिन सी की टेंडेंसी है डीजेनरेटिव, वो जल्दी डिके हो जाता है। सन लाइट टेम्परेचर का एक्सपोजर मिले तो विटामिन सी खत्म हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ख़त्म। तो कभी भी कढ़ाई में सब्जी बन रही है तो उसमें नींबू नहीं निचोड़ना। अगर सब्जी में नींबू डालना है तो गैस से उतार लिया, थोड़ी सब्जी ठंडी हो गई तब डाला। किसी भी हॉट चीज़ में अगर आप नींबू का रस ऐड करते हो या विटामिन सी या सिट्रस फ्रूट या जूसेस डालते हो तो उसका विटामिन सी ब्रेक डाउन होने लगता है। तो आप हमसे जब कई बार कमेंट्स में पूछते हैं कि क्या गर्म पानी में नींबू डाल के पी सकते हैं, इंस्टेंटली आप पी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गर्म पानी में नींबू डाल के रख दिया और ठीक है आधे घंटे बाद काम करके पी लेंगे, ऐसा नहीं है। पानी को बहुत गर्म भी नहीं रखना है, नींबू के लिए गुनगुना लेना है। गुनगुने पानी में आप नींबू निचोड़िए और उसको इंस्टेंटली आप कंज्यूम कर लीजिए, वो आपको लाभ देगा। इसी तरह आप संतरा ले सकती हैं, मौसमी ले सकती हैं, आंवला ले सकती हैं, कीवी ले सकती हैं। लगभग कोई ऐसा फ्रूट नहीं है जिसमें विटामिन सी नहीं होता, अधिकांश फलों में विटामिन सी होता है, एप्पल में है, आम के अंदर है, कई फलों में है। तो प्रेगनेंसी सेफ फ्रूट्स आप कंज्यूम करें, विटामिन सी सभी में पाया जाता है लगभग। खाने में विटामिन सी कैसे शामिल करें, तो आप जब दाल खाते हो, लंच ले रहे हो, दलिया ले रहे हो, खिचड़ी ले रहे हो, दाल खा रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा नींबू, जितना आपका टेस्ट अलाउ करता है, एक चौथाई टुकड़ा आप उसमें स्क्वीज कर दीजिए, रस ऐड कर दीजिए। और ये बहुत अच्छा तरीका है, आपके फूड को बहुत बढ़िया डाइजेस्ट करेगा, आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, ये बहुत बेहतरीन तरीका है, फ्री की रेमेडी। आप इसे ज़रूर फॉलो करें, फैमिली को भी सजेस्ट करें। कभी भी बहुत ज़्यादा खुशी में
विटामिन सी की चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक गिलास मौसमी जूस ले सकती हैं, एक गिलास ऑरेंज जूस ले सकती हैं, खाने में थोड़ा नींबू ले सकती हैं, आंवले का जूस ले सकती हैं, आंवले की चटनी ले सकती हैं। इस तरीके से आप खाएँ, संतुलित आहार खाएँ। पर विटामिन सी अगर इंक्लूड नहीं कर रहे थे अभी तक तो ज़रूर इंक्लूड करें, ये आपके लिए ज़रूरी है आपके प्रेगनेंसी के बेटर हेल्थ के लिए। टेक केयर, थैंक यू।